देश में मजहबी सियासत का ये खेल पुराना है। हर चुनाव में हर एक राज्य में ऐसे कुछ किरदार होते हैं जो मजहब की रहनुमाई के नाम पर ही सियासत के युद्ध में कूदते हैं और जब दाल नहीं गलती तो पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। ऐसे ही तीन खिलाड़ी हैं जो सीना चौड़ा करके बंग की जंग में उतरे थे लेकिन मौजूदा वक्त में भीगी बिल्ली बनकर रह गए हैं। ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। मेरे भाइयों, हम भी इंसान हैं, कोई जनरेटर नहीं। सब कुछ तो धोखा हो गया। तुम्हारे अल्फाज मेरी सूची पर तुम्हारे सब पहाड़ दिए देखे लो। आरो मुस्लिम दे भोक्ता देवे आमी की काटने कोला खाओ। बांग्ला में हम तो गुरु मुसलमान 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 आपको धोखा दिया जाता है। आपको मैं किसी से नहीं डरता, मैं सुबलता से डरता हूँ। पैरों के नीचे से सभी आपके दर का कुत्ता बना कर रखो। अरे भाई आखिर मैं मिला क्या तुम लोगों को? प्यार नहीं है भारत में? तीन तिगाड़ा खेला बिगाड़ा। हो गया और आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी बर्बादी के तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं। भगवा की हुंकार, भाईजान फरार। जय श्री राम, जय श्री राम। इंशाल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाल्लाह। भगवा छाया, जर्जिस को याद आया इटावा। इतना परेशान मत करो। पांच राज्यों के चुनावों की तारीख आने से पहले तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को रिझाने की कोशिश चल रही थी और इसके तीन किरदार अहम थे। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मजहबी तकरीर करने वाले मौलाना जर्जिस। पीरजादा को किसी ने तवज्जो नहीं दी और उन्हें कांग्रेस CPM गठबंधन में महज 26 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो वैसी को बंगाल में किसी ने पूछा तक नहीं तो उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा। और तीसरे किरदार मौलाना जर्जिस, जिसकी पोल सी हिंदुस्तान ने खोली तो उसके बाद बंगाल में दिखा ही नहीं। डरने वाले आएंगे जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, जो इन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से डरते हैं। मैं उन मुनाफिकों से कह रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सुबलता से डरता हूँ। यार इतना परेशान मत करो, वैसी जी हिंदुस्तान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम भी पड़े हुए। हैदराबाद में भाईजान दादा बनकर बंगाल में दाखिल हुए थे। फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी से मिलकर धमाका भी कर दिया लेकिन बाद में खुस पटाखा साबित हुए। दूसरी तरफ ममता राग अलाप रहा मौलाना जर्जिस, पश्चिम बंगाल में पिछले तीन हफ्तों से नजर भी नहीं आया। आखिरी जलसा झारखंड में किया था और जी हिंदुस्तान से घबरा रहा है। यार इतना परेशान मत करो, वैसी जी हिंदुस्तान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम भी पड़े हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिदकल लिल कल्बी, दिल की सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ जिसने कलमा पढ़ा। अब पता ये चला कि जो ऐसे लोग होते हैं जो वोट लेने के लिए आते हैं वो दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से नहीं पढ़ते हैं। आपके पास आएंगे अल्लाह अल्लाह, वहां जाएंगे राम राम। सिदकन लिल कल्बी, जो सिद्क दिल से पढ़ेगा वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कभी दूसरी चीज का कायल नहीं होगा। तो जिसने सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो कहां जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। ये वही जर्जी से जो जहरीली तकरीरें करता था, बंगाल में लोगों को भड़काता था, ममता दीदी की सरकार बचाने की कोशिश में मुसलमानों को डराता था। अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। बार बार उसमें दे रहा है ममता का मौलाना, टीवी पे हेडिंग चला रहा है,
दिखा रहा बात, ममता का मौलाना मैंने नाम तक नहीं दिया। जी हिंदुस्तान ने जब मौलाना जर्जीस के गुनाहों की खबरें दिखाई तो वो अंडरग्राउंड हो गया। उसने बंगाल छोड़ दिया और झारखंड में जाकर तकरीरें करने लगा और अब वो अपने गाँव इटावा लौट गया है। जहर उगलने की मशीन जर्जीस की हालत खराब है। अब वो एक लफ्ज भी बोलने से पहले सोचता है। अब उसे पता है कि उसे जी हिंदुस्तान लगातार ट्रैक कर रहा है और उसके हर अल्फाज पर हमारी नजर है, इसलिए अब वो संभल कर तकरीर करने लगा है। अब अपनी तकरीर में सियासत की तरकीबों का जिक्र करने लगा है। अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता लोग आपके स्टेज पर आएंगे और हिंदू हैं तो टोपी लगा लेंगे और मुसलमान है तो मंदिर में जाते हुए टीका लगा लेगा। बहुत से हिंदू नेता आपके रोजा इफ्तार में भी आ जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। और इस वक्त एक अहम खबर आप सुन लीजिए। खड़गपुर दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, नए युग के लिए तैयार है बंगाल, बंगाल में बीजेपी की जीत तय है। पीएम मोदी ने यह लिखा कि बीजेपी जीतेगी, टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म होगी। कल खड़गपुर का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैदराबादी भाईजान बंगाल में घुसपैठ करने चले थे लेकिन चेलों ने ही उनके साथ जरा खेला कर दिया। ओवैसी पहले पीरजादा के साथ मिलकर बंगाल में धर्म खेला की जुगत में थे लेकिन पीरजादा ने महागठबंधन का दामन थाम लिया। फिर एआईएमआईएम के बंगाल अध्यक्ष रहे जमीरुल हसन ने भी गुरु के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। बंगाल में भाईजान की दाल नहीं गली तो उन्होंने मैदान छोड़कर भागना ठीक समझा। दूसरी तरफ पीरजादा का पटाखा भी फुस हो गया, यानी बंगाल में मैच अभी भगवा बनान दीदी का ही है। एक अब्बा सिद्दीकी ने 100 अब्बा सिद्दीकी आने दीजिए, कुछ न होगा। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हमारा दिल की बात है, हम उसको बोलेंगे। बंगाल में लैला के अरमानों पर फिरा पानी। तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवा के भय से बंगाल से भागे भाईजान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फुरफुरा के पीरजादा का पटाखा फुस हो गया। सब कुछ तो धोखा हो गया। जुबा पर जहर और दिमाग में भड़काऊ सोच लेकर के ओवैसी ने हैदराबाद से बंगाल की फ्लाइट पकड़ी थी। बड़ी उम्मीद थी कि बिहार की तरह बंगाल भी फतह कर लेंगे, धर्म की जहरीली चाय पिला करके बंगाल की जनता को भी भड़का देंगे और काम बन जाएगा। लेकिन बंगाली मानुष ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बंगाल में सियासत की लैला को कोई चाहने वाला नहीं मिला। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मजलिस को और मजबूत करें। अगर हम हैदराबाद में मजलिस को और मजबूत करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस बंगाल भी जाएगी, मजलिस उत्तर प्रदेश भी जाएगी। शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। महंगा पड़ा फुरफुरा का फेरा, ओवैसी ने बदला डेरा। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। गुजरात के निकाय चुनाव में भी एआईएमआईएम ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत से भाईजान इतने गदगद थे कि बंगाल में बड़ा खेल करने की फिराक में थे लेकिन यहां उनके साथ ही खेला हो गया। बंगाल से भागे ओवैसी अब यूपी में ठिकाना ढूंढ रहे हैं और बिन मौसम योगी के खिलाफ बरस रहे हैं। 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। 90 से 100 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। दिनाजपुर, मालदा, हावड़ा, कूच बिहार, बीरभूम, आसनसोल और कोलकाता में मुसलमानों की काफी ज्यादा तादाद है। यही वजह थी कि एआईएमआईएम ने बंगाल में बीते एक साल के अंदर 25 रैलियां की और सदस्यता अभियान चलाकर 10 लाख लोगों को जोड़ा। भाईजान को बंग की भूमि नफरत की खेती के लिए मुफीद लगी थी।
लिहाजा उन्होंने हर जिले में पार्टी कार्यालय खोला। लगातार वो CAA के मुखालफत भी कर रहे थे ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों और बंगाल के कट्टर मुस्लिमों को भड़का सके, लेकिन अरमानों पर पानी फिर गया। ये लोग शुरू हो गए, देखो बीटीम आ गई, अच्छा उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओएसी ये ओएसी वो। अरे भाई आखिर मैं ही मिला क्या तुम लोगों को? प्यार नहीं है भारत में। ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में किया था क्योंकि फुरफुरा शरीफ का बंगाल के बड़े इलाके में प्रभाव है। ओवैसी को लगा कि पीरजादा उनकी सियासी नैया पार लगा देंगे, लेकिन एन मौके पर पीरजादा ने भाईजान से कन्नी काट ली। इसके बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष रहे जमीरुल हसन ने भी गुरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माजिद साहब के साथ हमें हमारा एक जान पहचान उसके बाद हुई थी। माजिद साहब को एक खबर हमने दी है आजाद साहब को बोलने के लिए, क्योंकि आजाद साहब जब से आए थे ना, आजाद साहब के साथ हमारा डायरेक्टली बात नहीं हो रहा है। 1.5 महीना हो गया, यहाँ कौन है, क्या कर रहे, कुछ खबर हमको नहीं दिए हैं, इसीलिए बहुत अंधेरे में हम रह गए। मुझे पार्टी से निकाल दिया, कहा कि आप कुछ भी नहीं है। तो मैंने वो मजबूरन, और लोग मुझे तंज करने लगे, मुझे तो उन्होंने खिलौना समझ के यूज करना चाहा, तो इसीलिए मैंने देखा। और मुझे ये भी भनक लगा कि इनका नियत जो है ना, वो यहाँ पॉलिटिक्स करने का नहीं है, यहाँ वो गेम खेलने आए। लैला से रूट कर महागठबंधन के पास गए पीरजादा के पास भी खेला हो गया। 90 से 100 सीटों पर दावा ठोक रहे पीरजादा को लेफ्ट ने सिर्फ 26 सीटें दी हैं। कांग्रेस में तो ISF से गठबंधन को लेकर ही तकरार है, यानी दूसरे मियां भी फुस पटाखा हो गए हैं। अभी जो हमारे बाम के साथ मोर्चा, जो बाम शरीक के साथ हमारे जो गठबंधन हुआ, उन्होंने हमने 26 सीट मिला हुआ, इससे भी सीट आगे और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्थ बंगाल में और सीट जगह सीट देंगे। और जो आप पूछ रहे हैं 26 जगह में, मेरा मानना है सोई से का चुनाव हो, ऐसा भी हो सकता है 26 जगह हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, एक अब्बास सिद्दीकी नहीं, 100 अब्बास सिद्दीकी आने दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ जो महल है बंगाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एक साथ रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी 100 और असावद्दीन ओवैसी 100 और 100 मतलब 100 ये मतलब महाराज को ला दीजिए, कुछ नहीं, यहाँ का वोट बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में ओवैसी की हालत ना घर के ना घाट के वाली हो गई है। उनके चेले जमीरुल हसन ने ही उन्हें बेनकाब कर दिया है। दूसरी तरफ दीदी का किला दरकाने और बीजेपी को सबक सिखाने का दम भर रहे पीरजादा भी बेदम हो चुके हैं। यानी बंगाल में मियां गैंग का काम तमाम हो गया है। असली लड़ाई अब भगवा बनाम दीदी की है।